हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी 10 बज रहा है और बाहर बिल्कुल बारिश जैसा मौसम है, पर बारिश हो नहीं रही है। एक्चुअली एक या दो घंटे से ऐसा ही मौसम है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। आई एम जस्ट वेयरिंग। तो मैंने बनाया अपना यूट्यूब इंट्रो बहुत ही मेहनत करके, और अब मैं जा रही हूँ अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करने। डिनर टाइम है और मैं जा रही हूँ लिट्टी खाने। एक्चुअली ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि लिट्टी बनने वाला है, तो हम लोग जो है कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, मतलब माइक्रोवेव में लिट्टी को पका रहे हैं। तो देखते हैं कैसा लगता है, फिर मैं बताऊँगी कि कैसे किया हमने ये। ऋषिया भेज भी दिया। तो सबसे पहले कन्वेक्शन पे 2.5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। उसके बाद वो जो स्टैंड होता है, वो स्टैंड के ऊपर लिट्टी रख के 7 मिनट तक ग्रिल करेंगे, और उसके बाद पलट के और 7 मिनट के लिए ग्रिल करेंगे, और उसके बाद घी में डिप करके खाएंगे। तो लिट्टी कुछ ऐसा बना है और ये काफ़ी कड़ा हो गया है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई कभी भी ट्राई मत करना माइक्रोवेव में बना के बिना मतलब का। अगर आपको वर्स्ट लिट्टी खाना है तो आप उसे माइक्रोवेव में ज़रूर पकाएं और खाएं, और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे खाना खा के, क्योंकि काफ़ी बुरा लग रहा है, इसका हाल कुछ ऐसा है और अब मेरा खाने का मन नहीं है। तो मैं अभी से फेंकूंगी सबके सामने कैमरे पे। मैं फेंकूंगी नहीं, मैं खाऊंगी। मैंने क्रश किया है इसे थोड़ा। इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, ये भी यूज किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। घी था वो। Early the next morning. तो सुबह सुबह मेरा साबूदाना खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं चली साबूदाना खिचड़ी बनाने। स्टीम करके पका लेना है। और वो रखना है। जिस भी बर्तन में ऐसा हो जिससे थोड़ा सा स्टीम निकल सके, वही यूज करना, नहीं तो नॉर्मल प्लेट यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे साइड में खोल के। इस तरफ रिक्की बना रही है मफिन, चॉकलेट मफिन। तैयारी तो है, बस बन जाए। पहली बार ट्राई कर रही है, तो हम लोग बस उम्मीद करें कि अच्छा बन जाए। तो ये क्या है? ये है मैदा। और कैसे बनाने वाली हो, थोड़ा बता दो प्रोसेस। 2 कप मैदा लूँगी, फिर कोका पाउडर डालूंगी। हाँ। चॉकलेट्स रखा है यहाँ पर, वो चॉकलेट्स डालूंगी। भाई लेट मी शो, नहीं दिख रहा।
मेरा हमारा चॉकलेट और ये सब डाल के बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। है आलू और टमाटर जो कि हम लोग यूज़ करेंगे खिचड़ी में। इस तरफ ये बैटर तैयार हो रहा है। सबसे पहले हल्दी, उसके बाद ये मिर्ची पाउडर और ये हमारा नमक। और जब तक मैं यहाँ पे ये सब कर रही थी तब तक रिकी ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपना एक रेसिपी बुक लिखने वाली है। तो यहाँ पे आलू पक चुका है, आराम से टूट जा रहा है, तो अब मैं डाल दूँगी हमारा लास्ट चीज जो कि है साबुदाना। साबुदाना और इसमें गया तो ये जो साबुदाना है थोड़ा सा कच्चा है, इसको और थोड़ी देर अगर हम लोग करते स्टीम तो शायद पक गया होता, लेकिन अब मैं कभी नहीं बनाने वाली हूँ और एक दिन पहले ही फुला के रख दूँगी और उसके बाद ही बनाएंगे। लो थोड़ा सा ले लो एक बार देखो। हाँ, देख के कच्चा ही लग रहा है। मैं सब व्लॉगिंग के चक्कर में थी। नहीं तो हम लोग का जो दोनों डिश बना वो दोनों ही बेकार निकला, जैसे कि लिट्टी और ये साबुदाना, ये दोनों ही बेकार। और एक तीसरा माइक्रोवेव में चढ़ा है पहली बार, देखते हो कैसा। हम बोलते वो अच्छा बनेगा, केक बनाने का एक्सपीरियंस है ना पहले से, वो केक ही है। तो हम लोग केक के नीचे का पार्ट खा रहे हैं। खैर की तुम भी वहीं पे गई तो शायद और अच्छा रहा। देखो हमको लग रहा है ना कि और पकता है। ठीक है और पकता या फिर चॉकलेट आई थिंक है माँ, इसलिए ऐसा है। चॉकलेट है लो ना मिठू तुम्हारे लिए है, कोई कटोरी या कुछ लेके आओ जिसमें खाओ। नहीं तो फिर पका देंगे 10 मिनट, एक तो टुकड़ा निकाल लेते हैं खा के देखो। थोड़ा कैमरे में आ पाओ। तो ये है हमारा यम्मी सा मफिन। मफिन मफिन है ना, हाँ, जो कि हम लोगों ने प्लेट के फॉर्म में कर लिया है क्योंकि कप नहीं था। कैसे लगेंगे बाबू? पापा ब्लॉग नहीं देखते। कैसे लगेंगे? बहुत लोग हैं जो कि कैसे लगा। हाँ जिसमें से हमारा एक यही सक्सेसफुल रहा है। बाकी बर्बाद, साबुदाना बेकार, ये तो हमारा परफेक्ट उतरा है आज।